हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, तो मैं अष्टमी और नवमी की प्रसाद की रेसिपी लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब इसमें 2 से 3 चम्मच घी डालें, और अब इसमें 2 चम्मच सूजी डालें, और अब इसे अच्छी तरह मिला लें। और अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूंजें। और अभी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और अब इसमें धीरे धीरे करके दूध डालें। और अब इसमें जरूरत के हिसाब से दूध डालें। और अब इसमें चीनी डालें और थोड़ी सी नारियल की बुरादा, और अब इसे अच्छी तरह मिला दें। और अब ये हमारा हलवा तैयार है। और अब चलिए पूरी के लिए आटा लगाते हैं। तो एक बाउल में 4 से 5 चम्मच आटा डालें, और अब इसमें धीरे धीरे कर पानी डालें, और अब इसे अच्छी तरह मिला लें। और अब इसे मिलाते हुए एक अच्छा सा डो तैयार कर लें। और अब इसमें से एक लोई तोड़े। और अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालें, और अब उसमें हरी मिर्च डालें और जीरा डालें, और अब इसमें हल्दी का पाउडर डालें, और अब इसमें धनिया डालें, और अब इसमें ब्लैक पेपर डालें, और उसे अच्छी तरह मिला दें। और अब इसमें चना डालें, और उसे अच्छी तरह मिला दें। और अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूंजें। और अब ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और अब एक कढ़ाई में तेल डालें, और अब एक लोई लें और उसे पूरी के आकार में बेल दें। और अब पूरी को तेल में तल दें। और अब ये हमारा पूरी गोल्डन ब्राउन है, और अब इसे अच्छी तरह निकाल लें। और अब इसी तरह सारे पूरी को तेल में तल लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नौकरियां खिलाना ना भूलें।